अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ दिसंबर से परकोटे का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि मंदिर निर्माण के दौरान प्राचीन और पौराणिक मंदिरों को नहीं तोड़ा जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार अब 108 एकड़ में होगा। अभी यह परिसर 75 एकड़ के करीब है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में लगभग 73 दिनों के बाद आम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर समिति ने सामान्य श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। अब मंगलवार से शुक्रवार तक आम श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से महाकाल मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां हर रोज 20 से 25,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंचते थे, तो अब 1 से 1.5 लाख लोग हर रोज महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब निःशुल्क ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। इसके मद्देनजर जल्द ही यहां धर्मशाला का निर्माण करवाया जाएगा। उत्तराखंड के बागेश्वर में अगले साल जनवरी में उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बागनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। अयोध्या में नवनिर्मित राधा मोहन कुंज मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 3 मंजिले इस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के सभी 18 अध्याय को उकेरा गया है। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यहां लगी पुस्तक प्रदर्शनियों में तमिल भाषा सिखाने वाली पुस्तकों की मांग बढ़ी है। वाराणसी के काशी तमिल संगमम में आए तमिल कलाकारों ने लोक नृत्य टोल पावई कोट करंगम पर प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। तमिलनाडु के कलाकारों ने नृत्य के साथ कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। बीएचयू के एम्फी थिएटर के मैदान में चल रहे काशी तमिल संगमम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से मूर्तियों और मंदिरों की प्रदर्शनी सजाई गई है, जिसमें लोगों ने उत्तर और दक्षिण के 90 मंदिरों के दर्शन किए। वाराणसी के गंगा घाट पर प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा जमा रखा है। इन दिनों खुले आसमान के नीचे उड़ते ये प्रवासी पक्षी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भूटान से 24 बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधिमंडल 22 नवंबर को भारत पहुंचा। ये प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर तक कई प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों का दौरा करेगी। राजस्थान के खाटू श्याम में 3 दिसंबर से राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले के श्रीमुख से श्री खाटू श्याम कथा का आयोजन होने जा रहा है। 9 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा का सीधा प्रसारण आप शाम 7 बजे से सत्संग टीवी पर देख सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए जल्द ही ताराकोट से सांझी छत तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सांझी छत से श्रद्धालु सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तय कर आसानी से माता के भवन तक पहुंच सकेंगे। पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज 3 दिसंबर से वृंदावन में एकादशी महात्म कथा करने वाले हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा का सीधा प्रसारण आप सुबह 9:30 बजे से सत्संग टीवी पर देख सकते हैं। झारखंड के डाल्टनगंज में 2 से 7 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पूज्या देवी हेमलता शास्त्री जी करेंगे श्रीमद् भागवत कथा। आप इस कथा का आनंद 1 दिसंबर शाम 4:30 बजे से और 2 से 7 दिसंबर दोपहर 4 बजे से शुभ टीवी पर ले सकते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बाद दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। पहले दर्शन का समय सुबह 3 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से आधी रात तक था, लेकिन अब दोपहर के बाद का समय बदलकर दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक कर दिया गया है। पंचकुला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को प्रदेश सरकार होली कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार कर रही है। मंदिर क्षेत्र के करीब 2.5 किलोमीटर तक शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद अब काल भैरव क्षेत्र का भी सुंदरीकरण का काम चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां पार्किंग एरिया को भी बढ़ाया जाएगा।